नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कहीं पानी के लिए कुएं में मर रहे लोग, तो कहीं जंगल में मारे जा रहे हैं पालतू पशु। सूखे को लेकर राज्य की स्थिति पर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने सरकार को संवेदनहीन कहा है। कहा गया है कि टैंकर मुक्त राज्य का वादा पूरी तरह से निराधार निकला है। राज्य तो टैंकर युक्त हो गया है। पानी के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। कहीं पानी के लिए कुएं में लोग मर रहे हैं, तो कहीं जंगल में भाग कर पालतू पशु मारे जा रहे हैं। पशुओं के लिए चारा छावनी नहीं है। सरकार की योजना शून्यता के कारण जल संकट गहरा है। सूखा क्षेत्र के दौरे के लिए कांग्रेस ने विभाग स्तर पर समिति बनाई है। विदर्भ के दौरे के लिए विजय के नेतृत्व में पश्चिम विदर्भ के 6 जिलों का दौरा किया गया है। सूखा क्षेत्र के दौरे के लिए बनी 4 समितियों की जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री से कांग्रेस के प्रतिनिधि मिलेंगे। सरकार से सूखा क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए देने की मांग प्रमुख है। लघु सिंचाई के लिए 90% अनुदान आधार पर सहायता देने का निवेदन किया जा रहा है। फल बाग क्षेत्र में प्रति पेड़ 1,000 रुपए राहत देने की मांग की जाएगी। गांव में टैंकर नहीं पहुंच रहा है। टैंकर के लिए अन्य राज्यों के ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है। रोजगार गारंटी योजना में भी काम नहीं मिल रहा है। बुलढाणा जिले से सबसे अधिक जल संकट है। प्लास्टिक ड्रम में पानी भरकर उसे ताला लगाकर रखा जाता है। यवतमाल जिले में कुआ साफ करने के दौरान महिला व पुरुष की मृत्यु हो गई। जिले में ही एक समुदाय के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। 2300 में केवल 173 मतदान किए गए, फिर भी समस्या नहीं सुनी गई। 24 घंटे हो रही है बिजली कटौती। काली पट्टी बांध कर टिकट चेकिंग स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। नागपुर ट्रेन में जांच अभियान के दौरान लगातार TTI के साथ बढ़ती मारपीट की घटना का निषेध करते हुए विरोध किया गया। साथ ही इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ते हमलों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की अपील की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के TTI ने सहायक महासचिव लोकेश राव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि आए दिन असामाजिक तत्व के साथ GRP RPF की ओर से TTI के साथ मारपीट हो रही है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाने पर भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सफाई कामगारों की समस्या सुलझाने की मांग। नागपुर सिटी नागपुर जिला कमेटी व जाति संघर्ष समिति की ओर से जात दरोडी स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन कर सफाई कामगारों की समस्या सुलझाने की मांग की गयी। गटर सफाई कार्य के दौरान राज्य भर में कई कामगारों की मौत होने की घटना हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कामगारों की सुरक्षा के प्रति कोई ठोस उपाय योजना नहीं की गई। कामगारों की समस्या सुलझाने की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री को भेजा गया। इस दौरान दिलीप देशपांडे, महासचिव रामेश्वर चरपे, मंगला तिरपुड़े, राजेश साठे, प्रीति मेश्राम, नितिन डुबले सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।